Hey guys, welcome to my vlog channel. I hope आप सभी बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया। So guys, अभी है हम जसोली में, जो कि आज यहाँ पे हम जाएंगे हरियाली देवी में। और ये रोड है जो वो है रतपुड़ा बद्रीनाथ वाली रोड है ये। और अभी हम जाएंगे सामान लेने, जो भी श्रृंगार का सामान होता है देवी का, और उसके बाद जाएंगे यहाँ हरियाली देवी। चलो आप सब हमारे ब्लॉग के साथ बने रहना, हम आपको भी हरियाली देवी के दर्शन करवाते हैं। चलो चलते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ का व्यू, देख सकते हो यहाँ का पहाड़ और सामने ये सामने जिस घर के सामने हमारा हाँ सुबह उठकर ज्यादा है ना। और ये पूरा जंगली जंगल है और अभी जाने के लिए बहुत देख सकते हो। ये आप पैर से गेट दिखाएंगे, उसके बाद मंदिर का तो पता ही नहीं है मुझे कहाँ जाना है, बहुत परेशान है। गाइस ये है हरियाली देवी का गेट, और अभी हम थोड़ा आगे जा रहे हैं दुकान पे, क्योंकि यहाँ से हमने अभी श्रृंगार का सामान लेना है। बस एक ही दुकान है, एक टेलर की दुकान है, शायद दो ही दुकान है। और यहाँ के सब रुद्रप्रयाग जाते हैं, उनका मेन मार्केट रुद्रप्रयाग है। सो गाइस अभी हमने ले लिया है सामान, और अब हम चलते हैं हरियाली देवी। नानी तो आई नहीं, आज आपको भी जसोली गाँव घुमाते हैं और हरियाली देवी को दर्शन करवाते हैं। चलो बने रहना हमारे ब्लॉग के साथ। है गाँव से ये है ना गांव, ये है ना मंदिर। अच्छा ज्यादा नहीं है, अब बंदर देखो कितने बैठे हैं वहाँ पे। सो गाइस ये है जसोली गांव, और बीच में है मंदिर, बस यही है बस गांव। और ऊपर भी है तो कमी है, मतलब मकान मकान। ये रोड है यार, बहुत खेले हमने यहाँ भी, खेलते थे पहले यहाँ, यहाँ रोड पे भी खेलते थे हम पहले। अच्छा नानी वहाँ से आ रही है दूसरे रास्ते से। गाइस जहाँ भी बंदर, जहाँ देखो वहाँ बंदर कैसे बैठा हुआ है। चलो चल लंगूर भी होते हैं आप आगे। पुराने जमाने के मकान देखो, इतने छोटे छोटे होते थे यार गाय की लय। अब इन लोगों के मकान टूट गए होंगे ना, अब नए बना दिए होंगे ना इन्होंने। प्राची और अकल तो आ गई है। कौन प्राची? प्राची वो यहाँ की है, तभी तो अरे मामा की बेटी है, मामा की। अच्छा अच्छा तो मामा की। तो हम पहुँच गए हैं मंदिर में। ये बंदर को देखो, जो ये चमड़े वाली बेल्ट होती है इसको चमड़े कोई सामान हो कुछ भी, पर्स भी कहाँ ले जाते चमड़ा वाला, चमड़े का नहीं है ना मेरा पर्स, नहीं है वो कपड़े का। तो जो ये चमड़े वाली बेल्ट होती है इनको मंदिर में ले जाते हैं, बेल्ट हो चाहे पर्स हो चाहे कुछ भी हो। अभी हम नानी का वेट कर रहे हैं, नानी आ जाती है। और अभी हम नानी का वेट कर रहे हैं, नानी आएगी उसके बाद चलते हैं मंदिर। पंडित जी भी बैठे हुए हैं, देखो कैसे बैठा हुआ।
खाने आ रही, दूसरे बंदर भी आ गया। हाँ जी देखो इस बंदर को, ये वाला तो भाग रहा है, ये वाला खाने के लिए आ रहा है। छुप रहा अच्छा ये है ना, ये छुप रहा है ये खाने के लिए। ए देखो इसे भाग के बंदर आ सारा खाने के लिए। नानी जी प्रणाम, मंदिर पहुंचे अभी अभी। चलते हैं, हेलो, ग्रुप में वीडियो कॉल आ रहा है। हाँ ना ना, वो बहुत अच्छे वाला है, वही ना यो मंदिर में पहुंचे। हाँ मंदिर में आए क्या? मौसी प्रणाम, मम्मी प्रणाम। अभी हम पूजा करते हैं, अब पंडित जी बैठ गए हैं और नानी बैठ गई है, मैं बैठती हूँ और ये भी बैठते हैं। उसके बाद पूजा होती है, उसके बाद पूजा नहीं है ऐसी, मतलब अच्छा यहाँ पे ठीक लग रहा है। गाइस अब हम मंदिर से निकल गए हैं पूजा पाठ करके। है प्राची नहीं आई? नहीं आई, नहीं यो ये घर नहीं देखा ना, हमारा घर, हम प्राची को घर, प्राची और घर, ये हमारा घर, बाबू को घर, बाबू को घर, यो 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 ये तिवारी वाला। अच्छा तिवारी में फोटो खींचते हैं। हाँ जोड़ दें, हाँ जोड़ दो बस। आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा ना मयाली वाला, हमारे घर में जैसे तिवारी है यहाँ ऐसी नानी की। आपने
कल रे चलो कल रे आ जाओ। हाँ वही तो है, नानी वहीं से तो आई थी अभी। शिवम को गौर। अब लोगों ने ना नीचे ही बना दिया सब लोगों ने मकान, ब्योर्ड ही नहीं बने नहीं लोग उन मकान। यह तिवारी सिंह अब यहाँ कोई नहीं है। फोटो भेज लो ये घरे। कहाँ से जाना है यहाँ नीचे? तो गैस करो गाइस ये क्या हो सकता है? माल्टे तो बोलना मत, नींबू भी मत बोलना, दो गलत जवाब तो इन्होंने दे दिए। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताना क्या है, ये बताऊंगी मैं भी। शोरा ये पुंगड़े मत आई मीन खेत नानी और क्या है इनको क्या बोलते ये खाने के लिए होता है ना ये? क्या बोलते हैं ये तो खाना तो सिर्फ नहीं तेल बनता है ऐसे, पर खाते भी हैं लोग शायद ऐसी मतलब कड़ा कड़ा जन होना नहीं लोग खाना भी तो सिर्फ नहीं है। हाँ भुजी धूप है बहुत तेज वैसे तो सही। बताओ ये क्या है? मुझे पता है